है वेलकम बैक टू ए बाय द यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम वीवो एस वन प्रो फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि बहुत ही दमदार फ़ोन है और ये तेरह हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये मैंने कैसे लिया वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ वैसे इसका रियल प्राइस आप जाके देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एमेज़न पे अट्ठारह हज़ार नौ सौ निन्यानवे के आसपास में मिल जाएगा तो ये आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का एक बॉक्स हमारे सामने रखा हुआ है जो कि हमने ऑर्डर किया था फ़्लिपकार्ट से ही तो इसे जो है पूरा अच्छे से बताऊंगा डिटेल में क्या क्या इसकी क्वालिटी है कैसे इसके इस स्पेसिफ़िकेशन से सारा कुछ बताने वाला हूँ ठीक है गाज? तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं इसे हम सबसे पहले कट कर लेते हैं इससे पहले जो है हमारे पास वीवो जेड वन प्रो फ़ोन था जिसे जो है मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर रखा है आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो उसके बाद ही ये फ़ोन मैंने लिया है तो ये फ़ोन उसी को एक्सचेंज करके मैंने लिया है तो उसको जो है मैंने पूरा एक साल यूज़ किया उसके बाद इसे एक्सचेंज किया फुल डिटेल में बताऊंगा इसकी लुकिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है एकदम प्रीमियम लुकिंग है वीवो एस वन प्रो आठ एक सौ अट्ठाईस जी बी के साथ है ठीक है पीछे इसके कुछ इसमें यानी कि मैनुअल चीज़ें लिखी रहती है जो कि आप पढ़ सकते हैं मेड इन इंडिया है तो इसे अब अभी रैप को फाड़ते हैं आराम से और इसे दिखाते हैं ठीक है थीके? इसे मैंने तीन दिन यूज़ किया उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा क्या क्या है इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मुझे मिला और कैसा परफॉर्मेंस रहा तीन दिन यूज करने के बाद तो ये फोन जो है इसका टीपी केस देख रहे होंगे और इसमें जो है कुछ कुछ चीजें मिली हुई है तो वीवो की एक खास बात रहती है कि इसमें जो है हमारे को यानी एक आपको ईयरफोन देखने को मिल जाएगा इसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं ये जो इजेक्टर है इसके बाद इसमें टीपी केस देख सकते हैं जो कि हम बैक कवर भी बोलते हैं तो इसे आप लगा सकते हैं काफ़ी अच्छा है और ये जो 18 वोल्ट का आपको चार्जर देखने को मिलता है वीवो का काफ़ी फास्ट चार्जिंग है और इसमें जो है सी टाइप चार्जिंग मिलता है ठीक है सी टाइप चार्जर मिलता है जो और ये जो है हमारे पास ईयरफोन मिला हुआ है ठीक है सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा ये जो फ़ोन है इसमें जो ब्रांडिंग है वो वीवो की है देखेंगे पन्नी जो है यानी इसे हम कह सकते हैं एक पोलोथीन रैप रहता है इसे हम जो है हटाते हैं धीरे से तो इसका जो है एक बेहतरीन बात यह है कि यह फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले है ठीक है आप इसमें जो है इसके पूरे लुक को आप देखिए अच्छे से और मैं एक चीज़ और बताता हूँ एक्सचेंज मैंने कैसे किया इस फ़ोन को सबसे पहले मैं फ़्लिपकार्ट चेक कर रहा था कि किस तरीके से होता है तो मैंने देखा कि ये दस हज़ार पूरा का पूरा चेंज हो रहा है वीवो जेड वन जिसके पास भी वीवो जेड फ़ोन है प्रो वो जाके एक्सचेंज कर लीजिए वीवो एस वन प्रो के साथ अगर आपको कोई नया फ़ोन लेना है दो तीन हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके तो आप दे सकते हैं ठीक है तो अट्ठारह हज़ार का फोन था तो मैंने इसे जो है वीवो कार्निवल सेल में इसे दे दिया ठीक है आप इसका देखिए लुक कितना ज़बरदस्त है मिस्टी ब्लैक पैक है ये तो इसे हम बूट वूट कर लेते हैं ओपन करेंगे यहाँ पे रेड कलर का बटन देख सकते हैं और भी इसमें चीजें आप कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का है बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का है तो ऊपर आप जैक देख लीजिए और इसमें जो एक ख़ास बात है वो इस बात को लेकर है कि आठ एक पहले जो वीवो जेड वन था मेरे पास उसमें चार्ज था पर इसमें जो है मेरे पास आठ एक सौ अट्ठाइस बिग स्टोरेज है ठीक है यहाँ पे जो है आप देख लीजिए एलईडी लाइट अंदर की तरफ है और इसमें जो है फन टच ओ आपको देखने को मिलता है सेटअप कर लेते हैं बूट कर लेते हैं इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन आपको भी ऐसे ही इसी तरीके से करना है और भी इसमें जो पैंतालीस सौ की बिग बैटरी बिग नहीं कह सकते उसमें वीवो जेड वन में जो था वो पाँच हज़ार का था और इसमें जो है हमारे पास पैंतालीस सौ एम की बैटरी है पर दमदार है ठीक है सी टाइप आपको चार्जर मिलता है जिससे यानी कि सी टाइप होने की वजह से ही मैंने लिया था इसमें एक और खास बात थी कि आठ एक सौ था छः पॉइंट तीन इंच का इसका स्क्रीन है प्रोसेसर जो है छः सौ पैंसठ ओक्टा कोर है ठीक है और एंड्रॉयड वर्जन नाइन है और रैम जो आठ जी और फोन में जो स्टोरेज होता है वो एक सौ अट्ठाईस जी रहता है अवेलेबल आपको एक सौ चौदह ही मिलेगा कुछ हम कैमरा सैंपल क्लिक कर लेते हैं और कुछ अड़तालीस मेगा से भी हम आपके सामने क्लिक करेंगे और आप जो है मैच कर सकते हैं कौन सी पिक्स अच्छी आ रही है सारे पिक्स अच्छे हैं ठीक है, है। अड़तालीस एम और इस कैमरे का मोड आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएगा तो बाकी स्पेसिफिकेशन तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा बट अब मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने कैसे खरीदा तेरह हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये के अंदर तो सबसे पहले कहा मैंने वीवो जेड वन प्रो लास्ट ईयर ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से दस हज़ार रुपये के अंदर में तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो उसी फ़ोन को हमने वीवो जेड वन प्रो को यानी कि एक्सचेंज पर लगाया फ्लिपकार्ट तो वो जो है हमारा दस हज़ार रुपये वहाँ पर यूज़ हो गया इसके बाद जो है हमने एस वन प्रो को कैश ऑन डिलीवरी बाई कर लिया और वहाँ पर जो है हमने चार हज़ार रुपये वो डिलीवरी वाले को हमने कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट किए और ये फ़ोन हमने ले लिया तो अगर गैज ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देख लीजिए और फेस अनलॉक कितना दमदार है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आप इसकी सारी कुछ क्वालिटी मैंने बता दिया आप जाके इंटरनेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं तो थैंक यू गैज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर